टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र में कोरोना की संख्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इसे रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रही है। वही नगर विकास मंत्री व पालक मंत्री एकनाथ शिंदे के मार्गदर्शन में श्रीकांत शिंदे, जो खासदार हैं कल्याण लोकसभा क्षेत्र के, अपने लोकसभा क्षेत्र में कोरोना संक्रमितों को लेकर काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं। आखिर इस महामारी से कैसे गरीब जनता को बचाया जाए और कैसे इनकी इलाज सही समय पर हो सके। पिछले कई दिनों से सरकार से मांग कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, जिसके बाद आज पाटीदार भवन डोंबिवली पूर्व में 210 बेड, आरोग्य केंद्र में 200 ऑक्सीजन बेड, 10 आईसीयू बेड तथा आसरा फाउंडेशन कल्याण में 110 बेड मुहैया कराया है, जिसका उद्घाटन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शनिवार को ठाणे के कल्याण और डोंबिवली में वीडियो लिंक के माध्यम से कोविड देखभाल केंद्रों का उद्घाटन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महामारी से लड़ने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्थानीय प्रशासन को कोरोना वायरस संक्रमित रोगियों के लिए अस्पतालों में उचित देखभाल, उपचार और पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरह से बेड जो है वो मुहैया कराया गया है, ऑक्सीजन जो बेड है वो भी किस तरह से मुहैया कराया गया है। इस दौरान नगर विकास मंत्री व पालक मंत्री एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा है, पहले आप सुनिए। आज या ठिकाणी 200 बेड से दोन ठिकाणी ऑक्सिजन आणि आयसीयू बेड ची उभारणी या ठिकाणी झालेली आहे। एक कोविड लॅबची देखील या ठिकाणी उभारणी झालेली आहे। मुख्यमंत्री महोदयांच्या शुभ हस्ते याचा शुभारंभ झालेला। या ठिकाणी शासनाच्या आदेशाप्रमाणे, मुख्यमंत्री महोदयांच्या आदेशाप्रमाणे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग वाढवण्याची आवश्यकता, 1:20 अनेक ठिकाणी प्रायव्हेट हॉस्पिटल, खासगी हॉस्पिटल देखील अधिग्रहित केली, महापालिकेने त्यांच्याबरोबर एमओयू केला, जेणेकरून कुठल्याही रुग्णाला बेड मिळाला नाही अशा प्रकारची तक्रार राहू नये, कुणालाही अॅम्ब्युलन्स मिळाली नाही अशा प्रकारची तक्रार राहू नये म्हणून महापालिका प्रशासन आणि सर्व लोकप्रतिनिधी एकत्रपणे काम करताय। मुंबईचा एमएमआर रिजन म्हणजे ती तशी मुंबईच आहे, महामुंबई आहे, मुंबईला जोडली गेलेली ही मुंबईची जुळ्या, मुंबईची सगळी भावंड आहेत, मुंबईची भावंड आहेत आणि एका ठिकाणी कारण ह्या परिसरात इथून तिथे तिथून इथे ही येजाही सतत वर्दळ चालू असते आणि त्याच्यामुळे व्हायरस सुद्धा त्या माध्यमातून त्याची वर्दळ करतोय आणि म्हणून आपण ज्या सुविधा करतात किंबहुना केल्यात, मला एका कोपऱ्यावरती कॅमेरा तिसऱ्या मजल्यावरचा दिसतोय, अप्रतिम सुविधा आहेत। तुमच्या सगळ्यांचं कौतुक करताना कुठेही तुम्ही डगमगू नका, मागे पडू नका, तुम्हाला जे जे काही लागेल ते पूर्ण देण्याचं वचन मी या निमित्ताने तुम्हाला देतो आहे। तो आपने सुना, इस सुविधा को लाने के लिए एकनाथ शिंदे ने पूरी तरह से कोशिश की है, जद्दोजहद की है, उनके प्रयासों से ये जो है पूरा मामला जो है, जो हॉस्पिटल का बेड का है वो आ सका है, और जिसके बाद महापौर विनीता राणे और मनपा आयुक्त विजय सूर्यवंशी का आभार व्यक्त किया है खासदार श्रीकांत शिंदे ने। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।